हाय गाइस, वेलकम बैक टू एज सब्जेक्ट अकेडमी। और इस वीडियो में आप इनहेरिटेंस के बारे में जान रहे हैं पीएचपी में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस कैसे होता है। ठीक है, तो एक फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस डॉट पीएचपी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद पीएचपी। तो बेटर ये होगा कि हम लोग इसको ले लें जी फंक्शन को, इसके यहाँ से मैं कॉल कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे इसके जो फीचर्स है वो यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, पब्लिक लूप, पब्लिक डॉलर लूप। ठीक है, डॉलर लूप ये हो गया, और दूसरा हो गया पब्लिक डॉलर वर्क, ये दो हो गए। और यहाँ पर अब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले बता चुका हूँ कि क्या है वो, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट ऐसे ही पब्लिक लिखने जरूरत नहीं है, ऐसे ही होता है, फंक्शन कंस्ट्रक्ट है ना कंस्ट्रक्टर का। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इको यहाँ पे दिस इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि ये कंस्ट्रक्टर किसका है, तो बेस क्लास का है। ऑलराइट, अब अभी फ़िलहाल इसको आप रहने दें। ठीक है, इसको ज़रूरत होगी आगे हम लोग यूज करने के, फिलहाल ये समझना है ये कंस्ट्रक्टर है जो बेस क्लास का है। और कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से ही वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब एक और क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, क्लास वही जो पहले क्रिएट किया था, मैं इसी को उठा लेते हैं किसी को से इसको। ठीक है, या इसको कंस्ट्रक्टर दिखाना था ना, ओके इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। और इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जिसका भी अपना कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फंक्शन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, तो यहाँ पे होगा कि इको चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो अब यहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया ही था इसमें, इसी को ले लेते हैं लोग, महिंद्रा ये है ना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ना। अब क्या करना है वो देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से आपको पता था कि कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर में कि जब से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो ये करने से क्या आएगा हमारा, देखो देखो, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ना, यहाँ से चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर जो ये लिखा हुआ है वो क्लास। अब क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्टर का तो फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है, तो फंक्शन जो होता हुआ तो आपने पिछले क्लास, पिछले जो वीडियो था उसमें देखा कि कंस्ट्रक्टर होता है तो उसको तो हम लोग कॉल कर लेते हैं उसके नाम से, कोई दूसरा फंक्शन होता है जैसे ये लूक है,
तो इसको तो हम लोग चाइल्ड क्लास से कॉल कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे, है ना, ऐसे करके। और इसका जो बेस क्लास का है जैसे लूक है, तो ये लूक को हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पर, है ना। तो वही तो ठीक है, यहाँ पे ये लूक हमारा कॉल हो जाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है अभी भी कि इसको कैसे कॉल करेंगे, इसके अंदर जो लिखा है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपको उसको कॉल, तो यहाँ पे लिखाएगा पेरेंट, ठीक है, पेरेंट कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट स्पेलिंग तो ठीक हुआ, पेरेंट कंस्ट्रक्ट किसके अंदर में, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर, एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन चेक। अच्छा, वो फंक्शन नहीं लगाया यार यहाँ पर, फंक्शन तो नहीं, यहाँ पे होगा एक्चुअली स्कोप रेजुलेशन, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं स्कोप रेजुलेशन, डबल जो कॉलन है इसको स्कोप रेजुलेशन बोलते हैं। तो ये लगाने से हमारा पेरेंट क्लास का, इसको देखिए ये है लारावेल का, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो लारावेल में भी इस तरह से है ना, ये होम कंट्रोलर एक्सटेंस कंट्रोलर। तो यहाँ पे क्या है, ये बेस कंट्रोलर जो है वो है, बेस क्लास जो है वो कंट्रोलर है, उसको एक्सटेंड कर रहा है होम कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए वो वही सेम फंक्शन है, फंक्शन पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर में ये लॉगिन वाला ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन का ऑटोमेटिक इसके अंदर डाला है, ताकि जैसे पेज लोड होगी उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कंसेप्ट को समझते हैं, जो भी मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर, वो कोऑर्डिनेटर में है आपका, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लारावेल बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है पीएचपी का, तो देखिए उसके अंदर भी ये इस तरह का चीज़ होता है। तो आपको उस टाइम समझने में आसानी होगी कि ये क्या है और क्यों आप लिख रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू हियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने लिखा अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है, करना रहता है चाइल्ड क्लास में, तब हम लोग क्या लिखते हैं, पेरेंट स्कोप रेजुलेशन, तब डबल ये, उसके बाद कंस्ट्रक्ट, तब क्या होता है कि इसका यहाँ पे चाइल्ड में भी कॉल हो जाता है। अच्छा, इसको बेटर समझने के लिए मैं एक और प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसको, देखो ये पूरा पहले समझो, इसको कार क्लास है, इसके अंदर में हमने क्या किया, पब्लिक व्हील्स डाला, डिजाइन डाला, मॉडल डाला, गियर, और ये इसको क्या बोलते हैं, क्लास प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, इस तरह का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अब क्या किया हमने, देखो इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर में क्या, इसी चीज़ को पैरामीटर में पास किया, डिजाइन मॉडल व्हील्स गियर और एक्सीलेटर, है ना। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसके एक एक वैल्यू को हम लोग असाइन करते जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ये इसका फंक्शनलिटीज है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लुक के अंदर में इसका जो डिजाइन है ये यहाँ से उठा रहे हैं हम लोग, कहाँ से, यहाँ से ले रहे हैं। और क्या क्या मॉडल जो है वो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से फंक्शनलिटी में क्या कर रहे हैं, जो गियर है वो यहाँ से लिया इसको, और ये जो एक्सीलेटर है इसको भी यहाँ से लिया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम लोग एक और क्रिएट किया जिसका नेम दिया मर्सिडीज एक्सटेंस कार, ठीक है, कार क्लास को एक्सटेंड किया। इसके अंदर भी एक और फंक्शन हमने क्रिएट किया, वो किया फंक्शन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और उसके अंदर में यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास किया। थ्री डॉट लगाने का मकसद ये होता है कि मतलब जब आपको आर्गुमेंट कितना होगा ये पता नहीं हो, कितने आर्गुमेंट्स देना है जब ये पता नहीं हो, तो यहाँ पे थ्री डॉट्स लगाते हैं ये जगह पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे ध्यान देखो, ये चाइल्ड क्लास में हमने ये एक आर्गुमेंट्स पास किया है, डॉलर आर्गुमेंट दिया, और ये डॉलर थ्री डॉट लगाने का मकसद हुआ कि ये कितना, क्योंकि देखो हो सकता है कि पेरेंट क्लास में हो सकता है एक और बढ़ जाए, तब क्या होगा, यहाँ भी बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसको अनलिमिटेड दे दिया, मतलब जितना भी पैरामीटर चाहे हम इसमें पास कर सकते हैं। अब क्या किया, यहाँ पे देखो हम लोग कॉल कर रहे हैं पेरेंट कंस्ट्रक्ट और आर्ग्यूमेंट्स, ये जगह से आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये कार को बंद कर रहे हैं फिलहाल, और मर्सिडीज़ को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, मर्सिडीज़ को क्रिएट किया जो चाइल्ड क्लास है इसका यहाँ से, और उसमें से लूक को कॉल किया, तो आराम से कॉल हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई
यहाँ पे लूप में कॉल करेंगे, और साथ साथ में लेकिन लूप में कॉल करने से पहले चूंकि डेटा उसका है तो ये चीज़ हम मर्सिडीज में पास करेंगे। यहाँ से देखो मर्सिडीज में यहाँ पे ये हमने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मर्सिडीज में हमने इसको बंद ही कर देते हैं, ये रखते हैं हम लोग। जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ में हमने पैरामीटर में पास किया, तो अब उसके बाद लूप को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमें उसका वैल्यू मिलेगा। तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम फिलहाल सारी चीज़ों को हटा दे रहे हैं, सिर्फ हम मर्सिडीज का क्रिएट कर रहे हैं और पैरामीटर हम पास कर रहे हैं कहाँ पे, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से। तो ये कैसे कैसे काम कर रहा है मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे हमने पास किया चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, अब ये यहाँ से गया किस जगह पे, यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ से ये आ गया हमारा पेरेंट के अंदर, ठीक है, और ये पेरेंट में जितनी सारी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे एक एक करके जा रही है ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे है ना, और यहाँ पे एक एक करके ये लिया, फिर ये लिया, और नीचे वाला से ये लिया और ये लिया, ऐसे करके हमारा पूरा वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है। तो इसको रन करेंगे, दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है और चाइल्ड और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में कैसे रिलेशन होता है, और आर्गुमेंट के थ्रू, जो पहले जो एग्जांपल दिखाया वो विदाउट आर्गुमेंट था, इसमें जो है आर्गुमेंट के थ्रू चाइल्ड और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में कैसे काम होता है ये मैंने आपको दिखाया। तो रन करके दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये, तो चलते हैं। इसका नेम है इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस का नाम है ये। देखो दिस मर्सिडीज कार फीचर्स द कार्स डिजाइन इज गुड एंड मॉडल इज न्यू, ये कहाँ से आया है इसको आप देखिए, क्या है यहाँ पे कि द मर्सिडीज कार फीचर्स, क्या क्या है, द कार्स डिजाइन, द कार्स डिजाइन इज गुड, ये गुड यहाँ से आया, ठीक है, एंड द मॉडल इज न्यू, देखो द मॉडल इज यहाँ पे न्यू, ये मॉडल दिया किस जगह पे आया, क्योंकि हमने फिलहाल लूप को ही कॉल किया है। अगर दूसरा एक और जो है इसको भी अगर कॉल करेंगे, इको एचआर यहाँ पे, और ये जगह पे हो जाएगा फीचर्स, तो फीचर्स जितनी है वो भी साथ साथ में कॉल होगा हमारा। देखो अब रिफ्रेश करने से एक मिनट को फंक्शनलिटी वो भी ये लुक ये स्पेलिंग का, ठीक है, अच्छा इसमें रिटर्न है, इको नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसको हम इको लगाते हैं। अब देखो है ना, ये भी कॉल हो गया, द कार हैज़ फोर, एक्चुअली यहाँ पे व्हील्स व्हील्स होगा, कार हैज़ फोर व्हील्स एंड गियर इज न्यू एंड एक्सेलेटर इज वेरी फास्ट। तो अब देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से ये हुआ, कंस्ट्रक्टर ने यहाँ पास किया और उस कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट, अभी हमने पेरेंट क्लास कहीं पे ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ से, और हम लोग चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहे हैं, उसके थ्रू वापस पेरेंट में जा रहा है और पेरेंट के थ्रू सारी वैल्यू को हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो आगे की वीडियो में मैं दिखाऊँगा एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, और साथ साथ में एक्सेस स्पेसिफायर के साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या फ़र्क है।